हुए बाबू। मैं आज ये वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा और किसी भी पराई लड़की को पराई नहीं समझूंगा। तुम मुझे आज ये वचन दो कि शादी के बाद तुम हर रोज मुझे शॉपिंग कराओगे हर वीकेंड पे मूवी दिखाने ले जाओगे खूब सारे खर्चे करोगे मेरे एटीएम कार्ड से। चलो बोलो कमारे पास हो एक ही मैसेज है मेरे लिए कि मैं ये कहना चाहूंगी उनसे कि शायद उनके फीमेल में कभी लाइफ रही नहीं है। उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में मुझे बोला था मुझे नहीं पता फीमेल के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट मैं ये बोलूँगी आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे से फीमेल को समझते हो, आपसे बेहतर शायद मैंने मेल देखा ही नहीं जो फीमेल को इतनी अच्छे से समझे। आप बस ऐसे ही रहना और बस ऐसे ही हमारा साथ बना रहे। ऑफिशियली प्रपोज वाला तो कुछ नहीं हुआ था बट हाँ कहते हैं ना कि जब आप किसी को लाइक करने लगते हो तो वहाँ पे शब्द और मतलब ये कहते हैं कि स्टेटमेंट मायने नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ें बिना शब्द के भी समझ लिए जाते हैं। तो मैंने ऐसा कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा था बट बहुत ही छोटे से शब्दों में और बहुत ही सीमित लाइन में मैंने बोला था कि मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। पूरा लंदन धुमकदा ओ जतो नच पहन दी, पूरा लंदन धुमकदा तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन धुमकदा ओ जतो नच पहन दी, पूरा लंदन धुमकदा। अब तेरी शाम आई
दुकानों में रब के दीवानों में भी मुझसा न कोई, मैं दीवाना तेरा। चल तुझे बांध के सांसों की वो डोर से ले चलूं वहां पे जो ठिकाना तेरा। मैं भी तारियां तो सजी डोली बैक आईया, जगनू भुला के मैं तो तेरी हो गईया। तेनु भी पता है सोने सजना दीवाने मेरे, मैं भी तेरे प्यार में तेरी जोगन हो गईया। सारी जिंदड़ी तेरे नाल तुर चलिया, दिन शगना वाला पार कर चलिया।